हेलो, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन चैनल नो मोर एन्जॉय मोर। और जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे और अपने चैनल पे ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, और नहीं भी अच्छा लगे अगर डिसलाइक करते हैं डिसलाइक करिए, पर एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं और क्या सजेशन है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। गुड, सो इससे पहले हमने अपने चैनल पे पहला रिव्यू करा था, मतलब पहला रिव्यू इन द सेंस पहली रम का रिव्यू करा था, विच वॉज बकाडी गोल्ड, सॉरी बकाडी ब्लैक। और आज लेके आए हैं हम बकाडी गोल्ड, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू, प्राइस, नोजिंग, टेस्टिंग सब कुछ आज करेंगे इधर ही इसी चैनल पे। गुड, सो मैं पहले ही बता चुका हूँ बकाडी एक इंटरनेशनल कंपनी है, एज एन US बेस्ड कंपनी है, जिसको कि 158 ईयर्स हो गए हैं। 1862 में चालू हुई थी। और बकाडी गोल्ड, अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बकाडी गोल्ड। तो इसको कैसे बनाते हैं, सेम जैसे बकाडी ब्लैक का था, कि इसमें भी ब्लेंडेड रम बेस्ड विस्की, रम बेस्ड यूज हुआ है मोलासेस, और एक्स बर्बन बैरल्स में इसको एज कराया गया है अप टिल वही 2 to 3 ईयर्स। मैंने एक जगह पढ़ा था 4 ईयर्स भी, पर अगेन वो वैलिड होगा इसके इंटरनेशनल वेरिएंट पे जो कि US में बनता है। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि 4 साल रम को एज कराएंगे, नहीं तो एंजल शेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंपनी लॉस में जाएगी। तो ये है नई बॉटल, अभी तक खोली भी नहीं है, तो मैं पहले से खोल देता हूँ और थोड़ा सा एक पोर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रम भी सांस ले पाए। ओके, एंड एज यूजुअल आपको पता है जब मैं पोर कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नया रिव्यू बनाऊँ आपकी फेवरेट ड्रिंक का तो आपके पास सीधा पहुँचे, आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। राइट, बॉटल दिख रही होगी आई होप। ऑलराइट, सो बिफोर वी गो अहेड, इसका प्राइस है 355 फॉर अ क्वार्टर एंड 1534 फॉर 750 ml। ये प्राइसेस थे हाइक होने के पहले, अभी मैंने जब चेक किया था तो वो भी 1864 मतलब टचिंग 1900 हो गई थी गोल्ड की 750 ml। प्राइस अगेन, आई एम सॉरी अगर ये फोकस नहीं कर रहा तो, इधर ही लिखा है 355। वैसे 355 प्रिंटेड प्राइस था, पर मेरे को याद है उसने 381 में मेरे को दिया था। तो बात करते हैं थोड़ी सी और कैसे बनती है। तो मैंने बता ही दिया कि ये रम बेस्ड मोलासेस, शुगर केन मोलासेस के ब्लेंडेड ब्लेंड से बनती है। इसको भी एज कराया जाता है एक्स बर्बन या यू नो चार्ड ओक बैरल्स में, और क्या इसमें कलरिंग है, कैरमल कलरिंग मिलाई है। इंग्रेडिएंट्स अगर पढ़ लें तो एक बार, डीमिनरलाइज्ड वाटर, मैच्योर्ड रम स्पिरिट एंड न्यूट्रल स्पिरिट, कंटेन्स नेचुरल कलर 150D। हमने जो स्कॉच और जो कुछ विस्कीज करी थी जो नॉन मोलासेस थी उनमें INS 150A था, इसमें 150D है। तो आई बिलीव दैट्स व्हाट इज कैरमल कलर, जिसकी वजह से कि इसका कलर खूब गोल्डनिश आ जाता है। एंड ऑनेस्टली आई लाइक दिस रम मोर देन द ब्लैक बकाडी ब्लैक। सो इसकी भी बॉडी मुझे मीडियम ही लग रही है, लेग्स तो बन रहे हैं पर बहुत ही हल्के। अगर आपको दिखे, कैमरा फोकस करे, हल्का सा, ओके, सो यही है। चलिए नोस करते हैं जल्दी से। Okay.
इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पिरिट का वो आ रहा है, थोड़ा मेडिसिनल सा, एक जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो एक वो मेडिसिन सा आता है, और आजकल जैसे हम लोग वो लगा रहे हैं सैनिटाइज़र, तो उसका जो एक अरोमा आता है वैसा सा आ रहा है, वनीला है बिकॉज़ मोलासेस है, तो वनीला का थोड़ा नोट आएगा ही, बर्न्ट शुगर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बकाडी ब्लैक में बोला था वैसे ही इसमें भी बर्न्ट शुगर का नोट आ रहा है, और भी है रोस्टेड पीनट से रोस्टेड नट्स जैसे बनाते हैं वैसा सा, टॉफी टॉफी हाँ कॉफ़ी नहीं बोल रहा हूँ, टॉफी चॉकलेटी हनी और ओक वुडीनेस का आ ही रहा है, स्मोकी नहीं है, लेट्स टेस्ट इट। सो चेयर्स गाइस, चेयर्स फॉर बखाड़ी गोल्ड। स्वीट है, वही रोस्टी टेस्ट आ रहा है, लाइट वुडी है, हल्का सा सिनेमन जैसे ब्लैक में था वैसे ही इसमें भी आ रहा है, फ्रूटी नोट्स है ही हैं, मैंने बोला ही था फ्रूटी नोजिंग में भी आए थे और टेस्ट में भी फ्रूटी नोट्स आ रहे हैं, फ्रूटी एज इन वही जो मीठे फ्रूट्स होंगे, ऑरेंजिश एप्पल, एप्पल नहीं बोल सकते, पाइन एप्पल जैसा, और पर वही है कि विस्की से बहुत अलग होता है रम का टेस्ट, और मेरे को बार बार लग रहा है कि ये ना वो मीठा मीठी जैसे कफ सिरप जैसी टेस्ट होती है, कफ सिरप क्या होगी कि आपकी थिक होगी जब आप कफ सिरप पीते हो वो थिक होती है, ये बहुत इट्स नॉट दैट थिक एज अ कफ सिरप। चलिए पानी मिला के भी देख लेते हैं। ओके अब ये और मेलो और स्मूद हो गई है, इसका लिंगरिंग टेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पिया पैलेट में नीचे गई अभी तक है और आपके पास कोई टेस्ट नहीं हो, नहीं इसका अच्छा खासा लिंगरिंग टेस्ट है जो कि एक अच्छी बात है, मुझे ब्लैक में उतना नहीं लगा, तो यही है, आई डोंट थिंक इसमें कोक मिलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सोडा मिलाओ, आप इसके ग्लास के ऊपर ब्रिम में अगर आप लेमन को एक बार ऐसे घुमा दोगे एंड देन यू हैव इट, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल टेस्ट आई एम श्योर, यू कैन हैव इट चिल्ड ऑन द रॉक्स। व्हाट एल्स, एक बात करना तो मैं भूल ही गया, पिछले वीडियो में कर लेना चाहिए था, अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि बार में जब आप वीडियो बना रहे हो तो यू गेटिंग टू क्लोज टू द कैमरा, और शायद जब आप लोग लैपटॉप में या फ़ोन में देखते होंगे तो आप फुल स्क्रीन में देखते होंगे, तो हाँ मेरे को भी लग रहा था कि मेरी शक्ल ही शक्ल पूरी स्क्रीन में आ रही होगी, तो मैंने जो बोला था कि मेरे पास एक नया सेटअप है, एक्चुअली वो सेटअप बाहर है राइट नाउ, मैं अभी अपने मास्टर बेडरूम में हूँ, रीज़न बीइंग मैंने कुछ लोगों को बताया था कि मेरा एक छोटा सा बेटा है 3.5 साल का, और उसको पकड़ना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो बाहर टीवी देख रहा है इसलिए मैं अंदर यहाँ पे जल्दी से आपके लिए रिव्यू बना रहा हूँ, तो जैसे आप लोगों ने कमेंट्स में सजेस्ट किया था कि कैमरा एंगल चेंज करो और कहीं और बनाओ जिसमें कि आप बैठ सकते हो और सामने टेबल हो, तो किया है भाई अभी वही ट्राई किया है, प्लीज़ बताओ कैसा लगा, दिस इज़ ऑल अबाउट बकाडी गोल्ड रम, आई लाइक दिस मोर देन ब्लैक, ओल्ड मॉन्ग से भी आई वुड प्रेफर दिस ओवर ओल्ड मॉन्ग, बट ऑनेस्टली ओल्ड मॉन्ग इट्स टू क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट वी हैव बीन ड्रिंकिंग सिंस प्रिटी लॉन्ग टाइम, जब छोटे थे बच्चे थे आई थिंक माई फर्स्ट ड्रिंक वॉज ओल्ड मॉन्ग, आई रिमेंबर मैं अपने पापा के लिए बनाता था ड्रिंक एंड वाइल टेकिंग दैट ग्लास टू हिम
आई यूज टू हैव वन सिप एंड देन गिव इट टू हिम. तो ओल्ड मॉन्क उससे तो अलग ही सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, बट अगर देखा जाए ओवरऑल वर्डिक्ट दूं मैं बकाडी गोल्ड के लिए, तो आई लाइक इट मोर देन बकाडी ब्लैक एंड मोर देन ओल्ड मॉन्क एज वेल. इफ़ आई हैव टू बाय अ बॉटल, फुल बॉटल ऑफ एनी रम, आई वुड गो फॉर बकाडी गोल्ड. अब बताइए आपकी सिटी में कितने की है, आपके स्टेट में कितने की मिल रही है, आपने पी है नहीं पी है, पी है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. एनी सजेशन अबाउट दिस रिव्यू, अबाउट दिस वीडियो, ये सेटअप कैसा लगा. अगर कुछ और सजेशंस हैं या कुछ और करना चाहिए तो बताना. ऑलराइट, ड्रिंक सेफ, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, टेक केयर, गुड नाइट गाइस.